हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर विधानसभा चुनाव को लेकर आज शनिवार को दोपहर बाद कांग्रेस प्रत्याशी मंजू मेघवाल ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। इससे पहले राजीव गांधी भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित भी किया। वहीं समर्थकों ने मंजू मेघवाल को जिताने का आश्वासन भी दिया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। उसके बाद जुलूस के रूप में राजीव गांधी भवन से रवाना होकर अस्पताल चौराहा होते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में कलेक्ट्रेट पहुँचे, जहाँ पर उपखंड मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया के समक्ष अपना नामांकन किया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद थी। पानी का रहेगा कि पानी में हर गांव तक पहुंचा सकूं, और सेकंड रहेगा कि ये ओवर ब्रिज बनाकर जनता को सुविधा दिला सकूं। और भी गांव में छोटी मोटी बहुत समस्या है, कहीं पानी की टंकी नहीं बनी हुई है, कहीं सड़कें नहीं बनी हुई है, कहीं ढाणी सड़कों से जुड़ी हुई नहीं है, कहीं ढाणी तक पानी नहीं पहुंचा है, छोटे छोटे गांवों में बिजली तक टाइम से नहीं आ रही है। किसानों की सबसे बड़ी किसानों की जो समस्या है, किसानों का जो कर्ज है उसको माफ़ कराने के लिए हम सरकार से विनती करेंगे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।